गाइज आपके घर में भी एक चारपाई तो जरूर से होगी, मेरे घर में भी है, हम सबके घर में नॉर्मल खाट नॉर्मल चारपाई होती है। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चारपाई के जो पाए हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह स्प्रिंग लगा दी जाए और एक स्प्रिंग लोडेड चारपाई बनाई जाए तो क्या होगा, किस तरीके से चारपाई बिहेव करेगी, अगर हम उस पर खड़े होंगे या बैठेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पेश है स्प्रिंग लोडेड चारपाई जिसके पाए हमने रिप्लेस कर दिए हैं भाई चार स्प्रिंग से। तो अब है इसके टेस्ट की बारी, फटाफट शुरू करते हैं और आप लोग एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना भाई। आपका जो लाइक है वो हमारे लिए एक दवाई का, एक सपोर्ट का, मोटिवेशन का काम करता है, बिना लाइक किए मत जाना। तो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो चारपाई है हमने लोहे के फ्रेम में बनाई है, एक प्लाईबोर्ड लगा दिया है और जो पाए हैं वहां पर आप लोग देखो कि हमने काफी बड़े साइज की काफी मजबूत स्प्रिंग लगाई है यहाँ पर वेल्डिंग करके। तो अब इस चारपाई को करते हैं भाई सीधा और बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा। एक बंदा आना इधर। तो भाई चारपाई को हमने कर दिया है सीधा और आप लोग देखो कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। ओहो, तो भाई मैं चढ़ रहा हूं चारपाई पे और मैं खड़ा हो गया, इस पे आते ही जो मूवमेंट है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल अजीब तरीके से होता है और डर लगता है कि हम जो है इससे गिर ना जाएं। तो भाई साहब ओ तेरी ओ, बच गया मैं। अरे यार क्या चीज बनाई है ये, देखो कैसे हिल रही है ऊपर नीचे। ओ तेरी, ओ इसकी भैंस की आंख, मैं तो उतर गया। अब है इसके हैवी टेस्ट की बारी। इस बार मैं नहीं चढ़ूंगा, सारे लोग चढ़ेंगे, तो मैं बाद में आऊंगा, तुम लोग चढ़ो पहले इस पे। वो ध्यान से चढ़ना है, गिर भी सकता है, तू भी आ जा, चढ़ जा चढ़ जा। अरे भाई अरे क्या मतलब क्या ये खाट की कैपेसिटी से बाहर है, तुम्हारी से बाहर है। सीधा करो, सीधा कर, फिर से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चढ़ो। हाँ आराम से आराम से, मैं पकड़ लेता हूँ, बस चल जाओ, चल जा चल जा चल जा। हाँ चल भाई चल। अरे चढ़ 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 जा चढ़ जा। तो भाई ये जो चारपाई है ना, ये तीन लोगों को झेल नहीं पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं और मैं भी जो है चौथा बंदा, चारों के साथ में देखते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो, चारों कोनों पे। हाँ और चारों कोनों पे आ जाओ। अरे उधर आ, स्प्रिंग पे आ। चल भाई रुकना, पकड़ लो पकड़ लो, चारू पकड़ लो। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे यार पूरी स्प्रिंग से मुड़ जा रही है। और भाई ये चारपाई जो है ना एक डांसिंग चारपाई है, आपको ये खासियत इसकी नहीं पता होगी लेकिन अभी आपको दिखेगी, देखना मतलब मजा आ जाएगा सीरियसली। 1 2 3 गो। Oh, my God.
ना तेरे को सोना था ना इसके, अब सो। तो गाइस आपको सही बताऊं कि ये जो एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है ना यहाँ खड़ा होके, ये ना तो आपको कभी शायद आया होगा और ना ही मुझे आया था। मतलब मैं जरा सा जिधर मूव करता हूँ जो चारपाई है वो दूसरी तरफ मूव करती है। न्यूटन का थर्ड लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल वही हो रहा है। और भाई आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा मूव कर रहा है। और अगर मैं इसको जानबूझ के मूव करवाऊं तो भी यार तो थोड़ा कंट्रोल में हो रहा है। देखो आगे पीछे, ये देखो, बस मैं गिर ना जाऊं यार यहाँ पे। ऐसे हिलते हिलते टीवी देखने का मजा ही अलग हुआ कुछ। तो भाई आपने देखा कि इस चारपाई को यूज करने में, इस पे बैठने में, खड़ा होने में, लेटने में कितना मजा आता, और इसको इवन बनाने और टेस्ट करने में भी काफी मजा आया यार। जो स्प्रिंग्स है वो एकदम ही अलग फील देती है नॉर्मल चारपाई से। स्टेबिलिटी तो छोड़ो भाई, इस पे अगर तीन या चार लोग खड़े हो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अनस्टेबल हो जाता है, इधर उधर गिरने लगता है। और जो ऊपर से गिराता है वो तो अलग ही था भाई, डांसिंग चारपाई बन जाती है। तो अगर आपको आया मजा तो लाइक जरूर से कर देना, मजा तो आया ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त कमाल की एक्सपेरिमेंट वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।